मेरा नाम जमशेद अहमद है, मैं बड़गाम कश्मीर से आया हूँ। हमारा ये प्रदर्शन पाँचवें दिन से चल रहा है और ये कंटिन्यू चलेगा जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता है। तो हमारी अभी मसाइल ये है कि हमारे जो पिता साहब थे वो महकमे पुलिस में काम कर रहे थे, दौरान ड्यूटी उनकी डेथ हो जाती है, किसी का गन साफ करते करते किसी का रोड पे हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या दिया बोला जाता है कि आपको एक नौकरी दी जाती है। उस टाइम क्या होते हैं, हम माइनर होते हैं, हमें बोला जाता है जैसे आप मैच्योरिटी में आते हो आपको नौकरी दी जाएगी। जैसे मैच्योरिटी में आते हैं उसके बाद बोला जाता है एक नोटिफिकेशन, एक अमेंडमेंट हो रही है, SRO की तरमीम हो रही है, उसमें आपको दिया जाएगा। तो जैसे ही हमारी एक नोटिफिकेशन निकलती है SRO 376, तो उसके तहत हमें बोला जाता है कुछ कंडीशन्स हैं, आपको ये नौकरी तब दी जाएगी। कंडीशन्स ये रहती है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, उसके बाद आपके घर में एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन स्टिल एग्जिस्ट होना चाहिए जो डीडीसी साहब मुकर्रर करेंगे, उसके बाद नन ऑफ द फैमिली मेंबर शुड बी एम्प्लॉयड, यानी कि आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं होना चाहिए। ये पैरामीटर सेट करके हम आगे जाते हैं डीडीसी साहब से, हमारी फाइल अप्रूव होकर होम कमिश्नर के पास जाती है, उसके बाद जाती है GAD कमिश्नर के पास। जैसे GAD कमिश्नर आगे भेजता है तो हमारे 48 ऑर्डर निकल जाते हैं, यानी कि एक एक करके 48 निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कोलैप्स होती है, गवर्नमेंट कोलैप्स होने के कारण यहाँ पे गवर्नर शासन ऑफिस होता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं वो एक ऑर्डर निकाल भी लेते हैं और वो पेपर में भी देते हैं बड़ा चढ़ा के कि हमने इतने कमर्शियल अपॉइंटमेंट किए जिसमें सबसे पहले नंबर हमारा है SRO 376 का। जैसे हम उसके पास जाते हैं, सर हमारे बाकी ऑर्डर्स भी तो निकालो, कह रहा है मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता है। आप देखो सर ब्यूरोक्रेसी में एक बंदा है वो कह रहा है मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता है, एक बंदा कहेगा मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता है 50 लोगों की जो फैमिलीज़ को ना इंसाफ करेगा, उनको इंसाफ नहीं देगा क्या। तो उसके बाद हम उसे बोलते हैं सर आपने भी तो किया है। जब उसे ये बात पता चलती है मैंने एक ऑर्डर किया है, उसके बाद बोलता है कोई बात नहीं बेटा 26 जनवरी 2019 के बाद मैं करूँगा SS केसेस को, मैं देखूँगा। उसके बाद 26 जनवरी 2019 भी जाता है, 20 भी जाता है, 21 भी जाता है, हमें मिलने का कोई वहाँ पे वो कोई दरवाज़ा नहीं है सेक्रेटरी पे जो खटखटाया नहीं हो। सारे बोल रहे हैं ये कि हायर अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, चीफ सेक्रेटरी के पास पेंडिंग है, उसे कोई बोलने वाला है नहीं। तो उसके बाद हम गवर्नर अप्रोच करते हैं, सत्यपाल मलिक साहब बोलते हैं 4 दिन का टाइम दो आपके ऑर्डर्स हो जाएंगे। 4 दिन का टाइम लेके सत्यपाल मलिक साहब बोलते हैं मेरी सुनी नहीं रहा है। मुर्मू साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं मैं आपकी बात कराऊंगा, बदकिस्मती है कि वो रिज़ाइन देते हैं यहाँ से। उसके बाद मनोज साहब आते हैं यहाँ पे, मनोज साहब से भी मिलते मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। उसके बाद क्या करते हैं व्हाट्सएप करते हैं उसे, व्हाट्सएप पर वो हमें बोलता है बेटा आप मुझे टाइम दो मैं इस मैटर को सीरियसली देख रहा हूँ, 6 महीने हो चुके हैं अभी तक सीरियसली ही देख रहा है। उसके बाद क्या होता है हम तमाम हुकाम से जैसे जिनसे भी जाते हैं वो कहते हैं उम्मीद करो कि ये यहाँ से चला ही जाए क्योंकि ऐसे तो काम नहीं होगा। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है अगर आप लोगों ने ये ऑर्डर्स ये नोटिफिकेशन निकाली, इस नोटिफिकेशन के तहत आप लोगों ने 59 ऑर्डर्स किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन बनाई है, ये हमने नहीं बनाई है, उसी कानून की किताब को बना के बनाया गया है, कानून की किताब को देख के बनाया गया है। तो आज ये क्यों गलत लग रहा है आप लोगों को, 2-2.5 साल से आप लोग हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि हम ये केसेस क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करके भेजो, फाइलें अपनी लातों के नीचे क्यों रखा है जो धूल चाट रही है वहाँ पे।
रिजेक्ट करके क्यों नहीं आगे भेज रहे हो? फिर हम भी कोर्ट करेंगे, देखते हैं आप लोग क्या करते हो हमारे साथ। अगर आपने भी एक ऑर्डर किया फिर क्या पैसे लिए उसके? अगर 48 ऑर्डर पिछली गवर्नमेंट में, फिर क्या उन्होंने कुछ झोल किया था जो हमारे नहीं हो रहे? हमारी पिताओं ने भी जान गंवाई है, मेरे पापा ने गन साफ करते करते अपनी जान गंवाई है। तो गन थमाने वाली गवर्नमेंट थी उसे, तब जाके चीफ सेक्रेटरी साहब अभी बाहर निकलते हैं जब पीछे चार बंदे होते हैं उसके खड़े, जब उसे लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ क्योंकि पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ये देश तब सुरक्षित जब हमारे सिपाही खड़े रहते हैं, तो उन्हीं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये शर्मनाक बात है ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, और ये शर्मनाक बात है पूरे इस हिंदुस्तान के लिए कि यहाँ कश्मीर में लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं बच्चों को हम मेन स्ट्रीम पे ला रहे हैं, ये हमें गलत दिशा में, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता हम गलत दिशा में चले जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नर साहब से, और पूरे जो सेंटर में भी हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस मसले को देखिए, इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, हमारे ऑर्डर्स रिलीज़ कीजिए जो भी पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई है एसआरओ को, क्योंकि ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उनकी फैमिली, रोड पर आ चुकी है। अब क्या आप चाहते हो कि पुलिस वालों की फैमिली भीख मांगे? ये हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए। बाकी शुक्रिया सर।